सांसद मोबाइल सेवा योजना के द्वारा प्रयास संस्था पिछले कई वर्षों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर गांव-गांव में प्रशंसा प्राप्त कर रही है। प्रयास संस्था के इस योजना के तहत अब बुजुर्गों को एक नई सेवा प्रदान की जा रही है, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बुजुर्गों के लिए काफी राहत भरी साबित होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कक्कड़ में केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में चलने वाले सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए शुरू की गई नई जन कल्याणकारी सेवा का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को इस संस्था द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जनप्रिय सांसद व केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में चल रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए अब यह सुविधा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के घर द्वार पर ही सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से इन बुजुर्गों को स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें रूटीन में इन बुजुर्गों के निशुल्क 40 प्रकार के स्वास्थ्य जांच करके उनको अनुभवी चिकित्सकों द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श व दवाइयां भी प्रदान की जाएंगी। इस सुविधा से दूर दराज के गांव में रहने वाले बुजुर्गों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में आसानी होगी, जो कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में जाने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से उनको भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से भी बचने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने वाली टीम उनके स्वास्थ्य एवं खून की जांच करके उनको उचित चिकित्सक परामर्श व दवाइयां भी प्रदान करेगी। प्रयास की टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज को सफाई की ओर ध्यान दिया सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक बार एक बड़े संपन्न परिवार का बुजुर्ग मेरे पास आया और कहा, मुझे बुढ़ापा पेंशन दे दी। मेरे कहा, राजा जी आपको बड़ा कारोबार है, पूरे सारा एक मुंबई बच्चों ने संभाल लिया है, मेरा गुजारा मुश्किल है, इतना लिख के दे दो कि सरकार ऐसा जरूर तो जब करे तो सरकार को दे दो, सरकार के द्वारा सारा कुछ तो उठा दिया। मुझे ज्यादा गुणगौर है मेरे सही को नहीं कह रही, माँ बाप के मन में तो प्यार है, स्नेह है बच्चों के प्रति, उनको हम तो हर पांच लोग से पूछ लेते हैं, पहले भी आप पूछे, लेकिन बच्चे इतने स्वार्थी हो जाते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं कि उनके माता पिता के प्रति क्या करते हैं। भाई नेता थे आपके यहाँ आए थे भाई लक्ष्मी में कई साल पहले, तब 2008 के बाद में बड़ा जुआ लगा था, मेरे नाम से छोटे बच्ची थे वो दिल्ली से, वो अक्सर सुनाते थे एक घर में हरा पूरा परिवार था, दादा था, बाप था, बेटा था, बेटा थोड़ा छोटा था, जो बुजुर्ग का बड़ा खांसता था, बहुत हंसी आती थी, उसके बेटे ने कहा कि सोने नहीं देता, अगर बंद नहीं हुआ तो मैं इसको हाथ से जला के उधर जाकर चुप दूंगा, हाथ से जला के आ जाऊंगा, मेरे को देख लूंगा डाल के। तो तेरे पता समझाया कि नहीं भूल गए, तो लेकिन उसका बेटा ही ना माने, मेरा फ्रैक्चर है इसको, मेरे में डाली तो फिर लगा तो बेटे ने भाई जी बापू